जो परेशानी कंगना रनावत को लेकर आपको दिख रही है, क्या आपको वो परेशानी जब नजर नहीं आती जब बीएमसी की बुलडोजर उन गरीबों की झुग्गियों पे चलती है? जाके देखिए कोविड की महामारी में कहां घर ढूंढेंगे वो अपना। और इतनी मिर्ची लग जाती है पत्तल चाट पत्रकारों को कि सारा कुछ छोड़कर, देश की अर्थव्यवस्था इकोनॉमी को छोड़कर, पत्तल चाट पत्रकार 24 घंटे न्यूज पे दलाल मीडिया पे यही दिखाने लग जाते हैं। आप कहना क्या चाहते हैं कि इस देश के अंदर महिला सिर्फ वो है जिसके पास लाखों करोड़ों रुपया है, और इस देश के अंदर वो महिला नहीं है जो गरीब है? क्या वो महिला नहीं है? वहां आकर वो उनको पीओके बताते हैं, और जब पीओके के अंदर कोई अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया जाता है तो उसमें किस बात की परेशानी है? सब्सक्राइब करें जनता की आवाज अब तक को और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज। कैसे देख रहे हैं जिस तरह से कंगना रनौत का जो पूरा मामला सामने आया है उसके बाद अब आपको क्या कहना है? देखिए बीएमसी ने जो उनका ऑफिस को तोड़ा है, क्या आप इसको, आपको बहुत चिंता है कंगना रनावत की? हाँ? आपको उनकी चिंता नहीं हुई जब बीएमसी उन गरीब झुग्गियों पर बुलडोजर चलाने की बात कहती, तब आपको चिंता नहीं होती? अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो आप उसको जायज ठहराने के लिए दूसरे नहीं, मतलब एक बात नहीं, आपके कहने का मतलब ये है कि जो झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है वो बिल्कुल ठीक कॉन्सेप्ट है। आप ये बताइए, आप उन गरीबों को अपने घर में रखेंगे? आप उन गरीबों को अपने घर में पनाह देंगे? इस कोविड जैसी महामारी में आप अगर उन गरीबों को अपने घर में पनाह देंगे तो मैं कहता हूँ कि बीएमसी ने जो बुलडोजर चलाई है वो बिल्कुल सही चलाई है। आप कह रहे हैं बीएमसी ने अगर गरीबों के साथ गलत किया है, जी है, जी, तो इसीलिए वो कंगना रनौत के साथ भी गलत कर सकते हैं, आप सर्टिफिकेट दे। मेरे कहने का मतलब ये है कि गलत दोनों के साथ है। हाँ। गलत दोनों के साथ है। हाँ। तो अगर आप कंगना रनावत के बारे में पूछते हैं तो आपका फर्ज बनता है कि बीएमसी ने जो झुग्गियां बुलडोजर पे जो गरीब परिवारों पे चलवाई है उनके बारे में भी पूछे, उनके लिए भी प्रश्न खड़ा करें। कंगना रनौत के बारे में ना पूछे, क्यों ना पूछे, पूछिए आप। गलत हुआ तो ना उसके कंगना रनावत में क्या गलत हुआ है? आपके कहने का मतलब क्या है कि कंगना रनावत ने जो बयान दिया है महाराष्ट्र के स्टेटमेंट को लेकर वो ठीक बयान दिया है? ये बताइए, महाराष्ट्र जो कि देश की आर्थिक राजधानी है, महाराष्ट्र जो कि लोगों के सपने की नगरी है, वहां आकर वो उनको पीओके बताते हैं, और जब पीओके के अंदर कोई अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया जाता है तो उसमें किस बात की परेशानी है? मसला ये है क्योंकि उनको जो नोटिस दिया गया, नोटिस केवल 24 घंटे के लिए नोटिस दिया गया, उसके बाद कार्रवाई कर दी जाती है। इस तरीके का जो मामला है, आप किसी भी शहर में चले जाइए, देखिए, सुन लीजिए ना आप, सुन लीजिए, किसी के घर में भी चले जाइए, किसी भी ऑफिस में चले जाइए, हर जगह कंस्ट्रक्शन में जो मॉडल पेश किया जाता है उसमें थोड़ा बहुत चेंज होता है। इस तरीके से आपको पूरी मुंबई की बिल्डिंग गिरानी पड़ेगी, पूरी दिल्ली की बिल्डिंग गिरानी पड़ेगी। इस तरीके से नहीं होता है कि आप, और आप टाइम नहीं देते हैं, आप जवाब देने के लिए भी आप टाइम नहीं देते हैं, केवल 24 घंटे का टाइम दिया जाता है, उसके बाद जो है उनके कार्रवाई कर दी जाती है। ऐसे तो आपको बहुत सारे घर गिराने पड़े, बहुत सारी बिल्डिंग गिरानी पड़ेगी अगर आप इस तरीके। देखिए आप बिल्कुल पत्तल चाट पत्रकार ना बने, पत्रकारिता करें, पत्तल चाट पत्रकार ना बने। आप एक बात बताइए कि जो, एक मिनट, उसी सवाल का सीधा जवाब मैं आपको देता हूं, जो परेशानी कंगना रनावत को लेकर आपको दिख रही है, क्या आपको वो परेशानी जब नजर नहीं आती जब बीएमसी की बुलडोजर उन गरीबों की झुग्गियों पे चलती है? जाके देखिए कोविड की महामारी में कहां घर ढूंढेंगे वो अपना। तो जो परेशानी कंगना रनावत के साथ में है वही परेशानी उन झुग्गी वालों के साथ में भी है। और जब आप पूछेंगे कंगना रनावत के बारे में तो मैं बात करूंगा उन झुग्गी वाले लोगों के लिए। झुग्गी वालों के लिए बात कीजिए, किसने मना किया है आपको? लेकिन आप देखिए, मेरी बात सुनिए, हमारे देश के, सुनिए, हमारे देश के सीधे उन पत्तल चाट पत्रकारों से मेरा सवाल है जो कंगना रनावत को रानी लक्ष्मीबाई की तुलना करते हैं कंगना रनावत से। आप एक बात बताइए कि क्या रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई, आप क्या बात कर रहे हैं, रानी लक्ष्मीबाई के ड्रग्स लेती थी पार्टी की, ये बताइए, पूरी पार्टी, आप पूरी कांग्रेस पार्टी के जो नेता, अरे भैया हमें पार्टी से क्या लेना देना, हम किसी पार्टी के कोई ऑफिशियल नेता थोड़ी हैं। हाँ। हमें पार्टी से क्या लेना देना, आप समर्थन करते हैं इसलिए मेरा सवाल। अरे भैया हम तो पार्टी का समर्थन नहीं करते, जो इस देश के अंदर गरीबों के हित की बात करेगा हम उसकी बात का समर्थन करेंगे। और पार्टियों का समर्थन करने के लिए इस देश के अंदर पत्तल चाट पत्रकार बहुत हैं जो सरकार की गुलामी कर रहे हैं। आज सरकार के प्रवक्ताओं को बैठने की जरूरत नहीं है, पत्तल चाट पत्रकार ही काफी है। ये कह रहा हूँ बीजेपी कंगना रनौत के समर्थन में आ गई है, कांग्रेस आ गई है, एनसीपी आ गई है, तो आपको क्या तकलीफ आ रही है अगर सत्ता पक्ष भी और विपक्ष सब समर्थन में है? मेरे भाई आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता दूं, इस देश के अंदर जो इस देश के लिए ऊटपटांग बयान देता है, चाहे फिर वो कपिल मिश्रा हो, चाहे फिर वो आपकी कंगना रनावत हो, उसको इस देश के अंदर वाई प्लस की सिक्योरिटी मिल जाती है। क्यों मिल जाती है वाई प्लस की सिक्योरिटी? एक बात बताइए, कुलदीप सिंह सेंगर जब बलात्कार करता है उस परिवार के साथ में तो उस बहन, वो बेटी भी कहती है कि मेरी जान को खतरा है, तब उसको वाई प्लस सिक्योरिटी क्यों नहीं मिलती? एक सवाल का सीधा जवाब दीजिए जी, जिस तरीके से अगर उन्होंने गलत बयानबाजी की कंगना रनौत ने, जी मान लिया उन्होंने गलत बयानबाजी की, क्या सरकार नागरिक से बदला लेगी? क्या सरकार का काम बदला लेना? आप सीधा सवाल है, सीधा जवाब, क्या कानूनी कार्रवाई होगी, सरकार बदला लेगी?
सरकार आप, मैं सरकार से बदले की बात ही नहीं कर रहा, बदले की राजनीति तो आज आप देख ही रहे हैं कौन कर रहा है। पी चिदम्बरम को जेल में भेज दिया जाता है, मुकुल राय बाहर बैठा रहता है, तो आखिर ये बदले की राजनीति नहीं है तो फिर क्या है? दोनों तरफ से हो रहा है ना, आप इसको एक तरफ से मत बोलिए, फिर दोनों तरफ से हो रहा है। ये आपको मैं बता दूं कि आज राजनीति के अंदर आपसी रंजिश के कारण एक भाई दूसरे भाई का गला काट रहा है और ये रंधवाए जा रहे हैं गले। आप एक बात बताइए, पहले ये बड़े जोर शोरों से, आपने जय हो फिल्म सभी ने देखी है, जिस तरीके के आज जय हो फिल्म का कॉन्सेप्ट है ना, वही सेम कॉन्सेप्ट आज देश के अंदर लागू हो रहा है। पहले जो सरकार के खिलाफ बयान देता है ये लोग उसकी जीभें कटवा देते हैं, उसके गले रिंधवा देते हैं, और जब देश के अंदर इन्हें दिखता है इनकी कुर्सी को खतरा है तो ये सरहदों पर हमले करवाते हैं और उसके बाद जोर शोर से देशभक्ति का नारा लगाते हैं। यही सेम आज देश की सरकार में चल रहा है। आरोप लगा रहे, अगर भारतीय जनता पार्टी सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है, आपने कहा पी चिदंबरम को फंसाया, तो आप कह रहे हैं गलत है, ठीक है, लेकिन अगर वही काम महाराष्ट्र की सरकार करती है आप कह रहे हैं ठीक हो रहा है। आप मुझे एक बात बताइए, आप मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी इस देश की जनता से कहते हैं ताली बजाइए, थाली बजाइए, ढोल बजाइए, दिया जलाइए तो ठीक है, और जब इस देश के युवा नौकरी को लेकर, रोजगार को लेकर इसी सरकार के विरोध में ताली बजाते हैं, थाली बजाते हैं, दिया जलाते हैं, टॉर्च जलाते हैं, तो इस देश की पुलिस उन पर लाठियां चार्ज करती है, क्या ये सरकार का दुरुपयोग नहीं है? क्या ये सत्ता पक्ष गलत नहीं कर रहा? ये बताइए आप। आपका जो सवाल पूछा है उसका तो जवाब आप दे नहीं रहे हैं, आप घुमा फिरा के इधर से उधर जलेबी बना दे रहे हैं। जलेबी बनाने का काम मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी के नफरती चिंटू प्रवक्ता को ही काम है और पत्तल चाट पत्रकारों का काम है, जो पूरे दिन उन्हें देश के अंदर बेरोजगारी नजर नहीं आ रही, देश की गिरती जीडीपी नजर नहीं आ रही, देश की इकोनॉमी नजर नहीं आ रही, वो नजर नहीं आ रहा कि बहन बेटी के साथ में बलात्कार हो रहा है और उसकी वीडियो फुटेज वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे, इन्हें वो नजर नहीं आ रहा। इन दलाल पत्रकारों को आज देश के अंदर युवाओं का जाता रोजगार नजर नहीं आ रहा। 24 घंटे कंगना रनावत, 24 घंटे टीवी पे रिया चक्रवर्ती, 24 घंटे सुशांत सिंह राजपूत। अरे एक बात बताइए, आपको अगर बिहार से इतना प्यार है, इतना दर्द महसूस हो रहा है बिहार के लिए, तो जब चाइना के बॉर्डर पर भारतीय 20 जवान शहीद होते हैं बिहार रेजिमेंट के, तब क्यों नहीं बोलते नीतीश कुमार? तब क्या सत्ता की दलाली का फेविकॉल पी के चुप हो जाते हैं? तब क्यों चुप रहते हैं जब बिहारियों के पैर से खून निकलता टपकता हुआ जाता है और वो दर तक पैदल जाते हैं, तब नीतीश कुमार को तरस नहीं आता? आज जब सुशांत सिंह राजपूत का एक बच्चा है, एक बात बताइए, आपका मुंह खोल के आपके मुंह में ड्रग्स दे सकता हूं क्या मैं? आज आप एक बात बताइए, हमारे देश की पुलिस मोदी जी की उस भतीजी का पर्स भी ढूंढ लाती है, वो जो पर्स चुरता है, और मोदी जी की पुलिस ये भी ढूंढ लेती है कि ड्रग्स कौन दे रहा है और कौन बेच रहा है। सीधा जवाब दीजिए, कंगना रनौत के साथ जो हुआ क्या आप उसका समर्थन करते हैं? क्या ऐसा होना चाहिए? अगर किसी के घर में अवैध कंस्ट्रक्शन है तो क्या सभी कंस्ट्रक्शन को तोड़ देना चाहिए? सीधा जवाब देखिए, मेरा मैं आपको इसका सीधा जवाब देता हूं। अगर बीएमसी ने जिस तरीके से उन गरीबों की झुग्गियों पर बुलडोजर चलाने की बात करी है, अगर वो सही है तो कंगना रनावत के घर पे अगर बुलडोजर चलाए तो वो भी ठीक है, और अगर गरीबों की झुग्गियों पे बुलडोजर चलना गलत है तो कंगना रनावत के घर पे भी बुलडोजर चलना गलत है। और ये भी गलत है कि आखिर क्यों जब अमित शाह जेल गए थे पी चिदम्बरम के समय में, तो क्या आज गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी आपसी रंजिश के खातिर पी चिदम्बरम को जेल में भेजा था? तो ये भी गलत है और इसके खिलाफ भी कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए। अगर किसी ने गलत किया है और ये भी गलत कर रहे हैं तो फिर ठीक है, तो फिर बराबर हो गया है। मैं आपसे ये बात मैंने कब कही? हाँ। ये बात सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को देखनी चाहिए, ये बात इस देश के गृह मंत्री को देखनी चाहिए कि आपसी रंजिश के खातिर क्यों इस देश की गरीब जनता को परेशान किया जा रहा है, और जब झुग्गियों पे बुलडोजर चलती है तो किसी को मिर्ची नहीं लगती, और एक कंगना रनावत के घर पे बुलडोजर चल जाती है तो सबके मिर्ची लग जाती है, और इतनी मिर्ची लग जाती है पत्तल चाट पत्रकारों को कि सारा कुछ छोड़कर, देश की अर्थव्यवस्था इकोनॉमी को छोड़कर, पत्तल चाट पत्रकार 24 घंटे न्यूज पे दलाल मीडिया पे यही दिखाने लग जाते हैं। करणी सेना उनके समर्थक में आई है, कह रही है कि बहुत गलत हो रहा है। कौन है करणी सेना? कहीं से सरकार बनी हुई है इनकी? कहां से है करणी सेना बताइए? देश के अंदर रोज ऐसी नई सरकारें बनती है, मैं नहीं जानता करनी सेना को, आप जानते हैं? आप जानते हैं क्या? आप जैसे लोग, आप एक बात बताइए कि देश के जवानों के लिए जब इतने जवान शहीद हुए, एक नहीं उठ के आया इनके घर से, इनकी एक की आवाज ही नहीं निकली, कहां गई थी करनी सेना? कौन है करनी सेना? मैं नहीं जानता इस देश के अंदर। ये आ जाते हैं देश के अंदर हिंसा भड़काने के लिए, जब
सरहद पे जवान शहीद हुआ, उनके इंसाफ के लिए एक आगे नहीं आया कि आखिर 350 किलो RDX कैसे आया। 1000 गाड़ियां लेकर वहां महाराष्ट्र पहुंचने की बात कर रहे हैं, अगर 100 गाड़ियां भी उनके घर पहुंच जाती हैं जो देश के जवान शहीद हुए हैं, तो आज सरहदों का ये हाल नहीं होता। आपको डर नहीं लगता करनी सेना से? वही करनी सेना है जिसने पद्मावत को डिस्प्ले स्क्रीन पे लगाने से मना कर दिया। तो पद्मावत चली नहीं थी, बताइए। अरे डरते हैं हम इस देश के कानून से, समझ रहे हैं? डरते हैं सिर्फ अपने ईश्वर से, और डरते वो लोग हैं जिनके कर्म में दाग होता है। हम लोगों के कर्म में दाग नहीं है, और डरना किस बात से? सच्चाई की आवाज को आप कब तक दबाएंगे? अरे अगर इनमें दम होता, ये सिर्फ देश के नाम पे कलंक है, इन जैसे लोग धब्बा है इस देश के नाम पर। अगर उस 350 किलो RDX को लेकर इन सभी लोगों ने आवाज उठाई होती ना, जिनकी आप बात कर रहे हैं, ना जाने कौन कौन सी सेनाएं हैं ये, मुझे नहीं पता, अगर इन लोगों ने तब आवाज उठाई होती तो शायद आज चाइना के बॉर्डर पे देश के 20 जवान शहीद ना हुए होते। महिलाओं के साथ जब भी कुछ ऐसा बर्ताव किया जाता है तो आप ही लोग सड़क पर उतर के आ जाते हैं कि फेमिनिज्म को लेकर के दुनिया जहां तमाम की बातें करते हैं। एक महिला प्रताड़ित हो रही है, वापस से घर टूट रहा है, बात चल रही है, अच्छा उसके समर्थक में उतर रही है, जैसे लोग भी उसको उसको कर रहे हैं, ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा है क्या? आप एक बात बताइए, पहले बेटी बचाओ फिर बेटी पढ़ाओ, ठीक है? बेटी को बच तो रही नहीं है, आप एक बात बताओ, और जब वही वो बेटी नौकरी मांगने के लिए सड़क पे आए तो लाठी चार्ज करो, मतलब वो आपको वो महिला महिला दिख गई, और वो महिला नहीं है जो सड़क पे नौकरी मांगने के लिए आ रही है और उस पर पुलिस लाठी चार्ज करती है, उसको दुपट्टे से खींच के लेके जाती है, वो महिला नहीं है? है वो महिला महिला नहीं है जिसके साथ बलात्कार हो जाता है, FIR दर्ज नहीं होती? क्या वो महिला महिला नहीं है? वो महिला महिला नहीं है जिसके साथ बलात्कार होता है और पूरे परिवार को ट्रक से कुचलवा के मार दिया जाता है? क्या वो महिला महिला नहीं है जो अपने पिता को साइकिल पर ले जाती है बिहार तक? क्या वो महिला महिला नहीं है जो ट्रेन के नीचे आके कट के मर जाती है? उन लोगों के समर्थन में आप लोगों ने जब वो आवाज उठाई, जब भी उन लोगों के समर्थन में, आप एक मिनट, आप पहले एक सवाल का जवाब दीजिए, आप कहना क्या चाहते हैं कि इस देश के अंदर महिला सिर्फ वो है जिसके पास लाखों करोड़ों रुपया है, और इस देश के अंदर वो महिला नहीं है जो गरीब है? क्या वो महिला नहीं है? जो महिला के साथ अत्याचार हुआ है उसके लिए भी हम लोगों ने आवाज उठाई है, उसके लिए भी कवरेज की है, और आज इनके साथ गलत हो रहा है इसके लिए भी आवाज उठाई। आपने एक मिनट, आप ये बताइए, आपको मेरे को भी पता है और देश की जनता को भी बखूबी पता है कि पत्तल चाट पत्रकारों ने कितना दिखाया है नेशनल चैनल पर, सभी लोग जानते हैं। आप सच्चे सत्य को, मैं बता रहा हूँ, आप प्रताड़ित किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं, देश की जनता सत्य को देख रही है। ये पत्तल चाट पत्रकार आप क्या समझ रहे हैं, 24 घंटे रिया चक्रवर्ती को चलाएंगे, कंगना रनावत को चलाएंगे, सुशांत सिंह राजपूत को चलाएंगे, और उन बहन बेटियों को नहीं दिखाएंगे जिनके गले में दुपट्टा डालकर पुलिस जबरन उन्हें खींच के लेके जाती है, जिस बहन के साथ में बेटी के साथ में बलात्कार हो जाता है? यानी इस देश के अंदर महिला वो है जिसके पास लाखों करोड़ों रुपया है, और वो महिला महिला नहीं है जो गरीब है? बीजेपी कह रही है ना भूले हैं ना भूलेंगे सुशांत सिंह राजपूत को देखते हुए, तो इसमें गलत क्या है? तो हम भी ना भूले थे ना भूलेंगे, हम भी नहीं भूलेंगे। क्या आप क्या समझ रहे हैं, आपके उन नेताओं को, उन दलाल नेताओं को हम भूल जाएंगे जिन्होंने बहन बेटियों के साथ में बलात्कार कराए, या हम ये भूल जाएंगे कि आप वही देश के प्रधानमंत्री हैं जो बहन बेटियों की हिफाजत की बात करते हैं और आपके नेता बहन बेटियों के साथ में दुष्कर्म करते हैं? आप ये भी नहीं भूलेंगे, और ना देश की जनता भूलेगी कि जब नंगे पांव पैर से खून टपकता हुआ वो बिहार का मजदूर यहां से वहां तक चले जाता है, घर तक अपने, और उसको एक सुविधा नहीं मिलती। और ये कानून आप क्या समझ रहे हैं, ये कानून सिर्फ उनके लिए है जो गरीब लोग हैं, बाकी अमीर तो अपनी गाड़ी से घर तक पहुंच गए थे। जनाब एक बात बताइए कि क्या जिस तरीके से बीजेपी कह रही है ना भूले थे ना भूलेंगे, ये ऐसे लोग हैं, मोदी जी को अपने भाषण याद नहीं रहते, उन्हें ये याद नहीं रहता कि कितने देश आज कोरोना से प्रभावित हैं, इनके ऊटपटांग नेता ऊटपटांग बयान देते रहते हैं, इसमें कोई गलत दोहराए वाली बात है नहीं, इनकी एक मंत्री कह देती है इस बात की, इमरती देवी जिनका नाम है, कोरोना के मुझसे भी तगड़े लक्षण है, मैं तो गोबर में पली बड़ी हूं, इस तरीके के बयान देने में ये लोग माहिर हैं। और आज सबसे ज्यादा दर्द होता है उस महिला को लेकर जो संसद में बैठी हुई है, महिलाओं की सोचा था वो महिला महिलाओं की आवाज उठाएगी, लेकिन ना जाने कितने पैसों में अपने दीन ईमान का सौदा कराए इन महिलाओं ने, जो एक महिला आज दूसरी महिला के लिए आवाज नहीं उठाती है। सब्सक्राइब करें जनता की आवाज अब तक को, और बेल आइकन को दबाएं, और पाएं सबसे पहले न्यूज़।